31 तारीख नजदीक आ गई है और सभी के मन में ये सवाल उठ रहा है कि जियो की प्राइम मेंबरशिप हमें घर से लेनी पड़ेगी या जियो हमें प्राइम मेंबरशिप फ्री में दे देगा। अगर आप एक जियो यूजर्स हैं तो आपको याद होगा कि आपने जब सिम खरीदा था तो 99 रुपए की प्राइम मेंबरशिप ली थी, जिससे कि आगे रिचार्ज का फायदा आप आसानी से ले सकते थे। तो जैसे कि 31 तारीख नजदीक आ गई है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि जियो हमें फिर से प्राइम मेंबरशिप लेने को कहे या फिर हमारी प्राइम मेंबरशिप को बढ़ा दे? तो दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं हमारा चैनल ज्ञानी कलाकार। दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि क्या होगा आगे अगर आप एक जियो यूजर हैं। तो दोस्तों, आपको याद होगा कि जब आपने सिम को परचेस किया था तो आपने सबसे पहले उसमें 99 रुपए की प्राइम मेंबरशिप ली थी, जिससे कि आगे के जो रिचार्ज थे वो आप उसमें करा करके उनका बेनिफिट ले सकते थे। तो जैसे ही 31 तारीख हमारी नज़दीक आती जा रही है, तो उस प्राइम मेंबरशिप की जो वैलिडिटी है वो ख़त्म होने वाली है, क्योंकि जियो ने हमको उसकी वैलिडिटी 31 मार्च तक दी थी। फिर चाहे आपने उसको 1 महीने पहले कराया हो, 2 महीने पहले कराया हो या फिर 1 साल पहले कराया हो, तो क्या अगर 31 मार्च को हमारी वैलिडिटी ख़त्म होती है तो क्या जो हमारे पुराने रिचार्ज हैं वो सारे बंद हो जाएंगे? हमें फिर से 99 का रिचार्ज कराना पड़ेगा अपने रिचार्जों को आगे चलाने के लिए, या फिर जियो ही हमारी वैलिडिटी को आगे बढ़ा देगा? दोस्तों, कुछ ऐसा समझने में आ रहा है कि जो जियो की मेंबरशिप थी वो इस कारण हुई थी कि जियो ने हमें मिलियन यूजर्स अपने गेन करे थे फ्री सिम बांट करके, तो उसका उन्हें कहीं ना कहीं से बजट निकालना था, पैसा उसका उन्हें चाहिए था। तो उन्होंने क्या किया कि मेंबरशिप को सबके लिए अप्लाई करा कि आपको ये मेंबरशिप करानी है, तो उससे उनका जो सिम का कॉस्ट था वो उनके पास वापस आ गया था और जो उन्होंने फ्री सिम बांटे थे उनका कॉस्ट उन्होंने निकाल लिया था। तो आगे क्या फिर से वो ऐसा ही कुछ करेंगे? तो अभी ऐसा कुछ पक्का नहीं है। अगर उन्हें ऐसा कुछ करना होता तो 1 से 2 महीने पहले ही वो हमको ऐसी अपील दे देते कि आपको उस सिम में रिचार्ज कराना है, मेंबरशिप आपको फिर से रिन्यू करानी पड़ेगी। पर जियो ने अपनी तरफ से ऐसा कुछ नहीं किया, तो कुछ ऐसा लग रहा है कि ये हमारी जो वैलिडिटी है जियो मेंबरशिप की उसको बढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि अदर सिम जो है वो भी केवल एक ही बार उन्होंने मेंबरशिप का चार्जेस लिया है, कोई ऐसे अदर चार्जेस नहीं लेते हैं कि हर साल वो प्राइम मेंबरशिप का कोई चार्जेस लेते हैं। ऐसा ही हुआ कि हमें पर ईयर 99 रुपये की मेंबरशिप लेनी पड़ी, तो फिर ये एक कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया जाएगा कि अगर या आप जियो यूजर तो हैं पर एक प्राइम मेंबरशिप के यूजर हो जाएंगे और एक विदाउट प्राइम मेंबरशिप के, जो इनको बेनिफिट्स मिलेगा रिचार्ज पर वो इनको नहीं मिलेगा, और जो इनको बेनिफिट्स मिल रहा है इनको बेनिफिट्स वैसे मिल ही नहीं रहा क्योंकि प्राइम मेंबर की यूजर नहीं है। तो अगर ऐसा कर दिया गया तो काफ़ी दुविधा वाली बात हो जाएगी। तो जियो मेरे ख्याल से ऐसा कुछ नहीं करेगा, क्योंकि अगर उसको ऐसा कुछ करना होता तो वो छोटे रिचार्ज ना निकालता, जैसे कि 49 का रिचार्ज, 99 का रिचार्ज, ऐसे कोई रिचार्ज ना निकालता। और ये जो टॉपिक है वो काफ़ी ट्रेंडिंग में, तो इसलिए यूट्यूब पे काफ़ी इसके वीडियो में अपलोडिंग मिले हैं कि अगर आप हमारा वीडियो लाइक करते हैं तो आपको मेंबरशिप नहीं करानी पड़ेगी, जियो खुद ही मेंबरशिप दे देगा। तो ये तो वही बात हो गई कि अगर आपको रिचार्ज कराना हो तो इनके वीडियो पे आप लाइक कर दीजिए, जियो अपने आप आपका रिचार्ज कर देगा। तो मतलब कि काफ़ी फेक वीडियो इस टॉपिक पर यूट्यूब पर मिल सकते हैं, तो ऐसे वीडियो को मेरे ख्याल से लाइक नहीं डिसलाइक कर देना चाहिए, क्योंकि वो आपको उल्लू बना करके आपसे केवल लाइक गेन करना चाहते हैं और व्यू गेन करना चाहते हैं। तो अब वापस आते हैं हम अपने टॉपिक के तरफ, जियो प्राइम मेंबरशिप वाले, जो कि 99 रुपये का रिचार्ज हम लोगों ने शुरुआत में कराया था। तो क्या हम लोग को ये दोबारा कराना पड़ेगा? ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। अगर आपको कराना होगा तो जियो हमको फिर से एक बार सूचित कर देगा कि आपको ये रिचार्ज कराना है, और अगर नहीं कराना होगा तो ये हमारी वैलिडिटी जो है 31 मार्च से आगे 1 या 2 महीने की बढ़ा दी जाएगी, या फिर हो सकता है कि ये अब लाइफ टाइम कर दी जाए। तो अभी कुछ इसकी जियो की तरफ से ऐसी कुछ सूचना नहीं आई है कि आगे क्या होगा, और जो भी होगा 31 तारीख के बाद हम लोग को पता चल जाएगा कि जियो ने क्या आगे के प्लान बना रखे हैं जो हमको, या फिर कोई फिर से हम लोग को एक नया ऑफर देकर कि ये पैसे अपने गेन करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपको हमसे कुछ पूछना है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं, और अगर आप नए यूजर हैं तो हमारे रेड बटन को क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए, क्योंकि हमारे नए वीडियो आपको इसी तरह से आगे मिलते रहेंगे।